क्लास उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। क्लास फोर हम मैथ्स की क्लास में आज क्या पढ़ेंगे, फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन को क्या करना है, मल्टीप्लाई। हम फ्रैक्शन को क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई। पेज नंबर निकालें 80, क्वेश्चन नंबर इसका 5। क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व किया था, उसमें क्या था, फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना और उन्हें लोअर टर्म में कन्वर्ट करना। आज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। इस पे देखें, क्वेश्चन नंबर 1 इसका ए है 1/6 मल्टीप्लाई 9/12। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप इसको क्या है कि न्यूमिनेटर को ऊपर से न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई करें। अगर इस तरह आप कर सकते हैं ठीक है, अदरवाइज के एक और साथ देखें कि हाँ जहाँ पे लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं आप उनको लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट कर दें। जैसा कि यहाँ पे देखें 9, 3 3 9 के टेबल में आते हैं ना, और यहाँ पे देखें 12 आते हैं 3 के टेबल में, सॉरी ये 3 के टेबल में आता है, ये भी 3 के टेबल में आता है, 3 4 12। अब यहाँ पे देखिए लोवेस्ट टर्म में होगा तो यहाँ यहाँ आंसर क्या है, 3/4। यहाँ पे क्या आता है, 1/6 मल्टीप्लाई बाय 3/4। अब यहाँ पे देखिए 3/4 1/6। अब यहाँ पे देखिए ये आमने और सामने से यहाँ से कर सकते हैं, 3 1 3 3 2 6। यहाँ पे भी एक टेबल में काट गया और यहाँ आंसर क्या है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/4। अब इन दोनों को आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 1 1 4 2 2 4 8। यहाँ पे हमारा यहाँ तक क्या है आंसर। हमने पहले क्या किया, इनको लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट किया, एक टेबल पे अगर ये डिवाइड हो रहे तो उनको हमने कट कर दिया, फिर यहाँ पे फिर लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट हो रहा था, फिर हमने इनको कट किया, नेक्स्ट हमने इनको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हमारे पास क्या आ गया आंसर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर बी देखें, 2/5 मल्टीप्लाई बाय 4/7। अब यहाँ पे क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये इवन नंबर है, ये ऑड है, ये इवन है, ये ऑड है, और देखिए ये आमने सामने से और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर ऊपर से नीचे से सर कोई नहीं काट रहा, तो हम क्या करेंगे, इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8 7 5 35। यहाँ तक इसका आंसर है और मजीद हम इसको कट नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर सी, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा आसान है स्टूडेंट, देखें 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/5। यहाँ पे हम क्या करें, 1 1 1 3 5 5 3 15। यहाँ पे ये इसका आंसर है, क्योंकि ये क्वेश्चन मजीद कट भी नहीं सकता और यहाँ पे कौन सा टेबल दिया हुआ था, 1 का, ठीक है ना, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दिया। आगे क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 80 स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 80, इसके बाकी जो क्वेश्चन है वो आपने कॉपी पे सॉल्व करनी है, ये आपका होमवर्क है, ये आपने कॉपी पे करना है, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।